गिरिराज जी का जन्मदिन उनके दीर्घायु जीवन के लिए यशस्वी तेजस्वी प्रतापी और इसी प्रकार से भारत के हिंदुओं के हृदय में वो राज करते रहें, इसके लिए आज हमने मैया के दरबार में मंगल कामना की है, हमने हवन किया है और ये हमने मैया से मांगा है कि हमारा गिरिराज दा इसी प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ते रहें। दूसरी जो एक बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में एक कसक है कि सब जगह हमारी सरकार अपने बलबूते पे बन गई है, लेकिन बिहार में हमारी सरकार अपने बलबूते पे नहीं बनी है। यह एक ऐसा मौका है जहाँ पे हम भारत के हिंदू हृदय सम्राट के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकते हैं। और आज बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे हिंदू समुदाय का ये मांग है कि बिहार की अगली सरकार जो हो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अपनी सरकार हो, ताकि कोई भी सरकार 370-35A पे मुंह पीछा ना कर सके, ताकि कोई भी 35A पे मुंह पीछा नहीं कर सके, ताकि POK पे जब हम चढ़ाई करें तो कोई सरकार मुंह पीछा ना कर सके। इसके लिए जरूरी है कि गिरिराज जी के नेतृत्व में एक सबल सरकार बिहार में बननी चाहिए, जिससे नरेंद्र मोदी सकारात्मक रूप से और ही उनको संबलता प्रदान होगा। अतः हम कार्यकर्ताओं ने आज शपथ लिया है, संकल्प लिया है कि गिरिराज दा के नेतृत्व में बिहार में अगली 2020 की नई सरकार बननी चाहिए। आज केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, जो राष्ट्रवाद का एक बड़ा चेहरा है और साथ ही साथ जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को सेवा, संघर्ष, सरोकार और समन्वय से जोड़कर रखा है, उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस संकल्प को व्यक्त करते हैं कि गिरिराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिहार में अगला चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत से जीत कर आएगी और बिहार में विकास का नया दौर चलेगा। हम इसी संकल्प को व्यक्त करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मांग करते हैं कि गिरिराज सिंह के नेतृत्व में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस तरह किस तरह से संकल्प लिए अगले मुख्यमंत्री के? आज जन्मदिन की शुभकामना, उसके लिए हम लोगों ने माँ काली के सामने संकल्प लिया कि हम कार्यकर्ता गिरिराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार अकेले बहुमत की सरकार बिहार में बने, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं।